सो गाइस, अगर आप लोगों का YouTube चैनल डिलीट हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है तो उस कंडीशन आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका YouTube चैनल डिलीट हुआ है या फिर आपका YouTube चैनल सस्पेंड हुआ है या फिर आपका YouTube चैनल पे यानी कि Gmail पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे Instagram पे मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, राम प्रकाश भाई मेरा YouTube चैनल डिलीट हो गया है। किसने डिलीट किया वो उसको पता नहीं है, खुद से डिलीट किया है, YouTube ने डिलीट किया है। तो YouTube ने डिलीट किया है तो YouTube ने क्यों डिलीट किया है? जैसे कि YouTube चैनल डिलीट होने का बहुत सारा रीज़न होता है, या फिर आपका YouTube चैनल टर्मिनेट हो जाता है, आपका YouTube चैनल सस्पेंड हो जाता है, या फिर अपने YouTube चैनल को आप खुद गलती से डिलीट करते हो। तो आपका YouTube चैनल किस वजह से डिलीट हुआ, आप खुद से डिलीट किए हो या फिर गलती से डिलीट किए हो, या मतलब कि YouTube चैनल आपका सस्पेंड हुआ है, क्या हुआ है, मतलब आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो आप लोगों को वही बताऊंगा कि आपका YouTube चैनल डिलीट हुआ है या आपका YouTube चैनल सस्पेंड हुआ है, आपका YouTube चैनल के साथ क्या हुआ है। जो कि यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपका YouTube चैनल का URL पे क्लिक करोगे तो दिस चैनल नॉट एग्जिट करके इस तरह का ऑप्शन कुछ आता है। एक यहाँ पे देखोगे टैप टू रिटायर करके इस तरह कुछ ऑप्शन आता है, एक इस तरह का ऑप्शन आता है जो अकाउंट एक्शन करके यहाँ पे टैप टू साइनिंग करके ऑप्शन आता है, ठीक है। तो तीनों तरीका का मतलब क्या यूज है दोस्तों, आप लोगों को बता दो। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आया है नहीं आया तो भी वीडियो का कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों के पास आने के फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी भी अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो अपने प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जो भी मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ भाई, मेरे जो भी मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो जो भी सारे यूट्यूबर क्रिएटर जो भी वीडियो देखते हैं भाई, वीडियो को सब वीडियो को देखो यार, मैं बिना मतलब का वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो भी बनाता हूँ आप लोगों को काम के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को यूज के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं फेक वीडियो यहाँ पे कोई फालतू वीडियो बनाकर नहीं दे देता कि भाई देख लो मेरा व्यू, मतलब मेरा चैनल पर व्यूज आएगा मैं पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैं जानकारी आप लोगों को देता हूँ यहाँ पे सोचता हूँ समझता हूँ कि भाई किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर दूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो और मेरे को भी हेल्प हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तीनों ऑप्शन का भी आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि तीनों तरीके मतलब क्या यूज है और क्या इससे हम लोग को मतलब कि नुकसान फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि अगर हम लोग का YouTube चैनल खुद से गलती से डिलीट करते हैं ना, तो हम लोग अपने YouTube चैनल के URL पे क्लिक करोगे ना तो दिस चैनल डोंट नॉट एग्जिट करके इस तरह से मतलब कुछ देखने को मिलता है, जो कि आप लोग का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। तो अगर आपका YouTube चैनल डिलीट होता है ना तो आपके साथ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आएगा, यानी खुद से आप डिलीट करोगे ना, परमानेंटली डिलीट कर देते हो या फिर गलती से डिलीट कर देते हो ना, तो इस तरह का आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और बात करें अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि आपका चैनल जो आप लोग बोलते हो ना कि मेरा चैनल मतलब खुद से डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मेरा साथ कैसा हुआ, ठीक है। तो बात करें अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड होता है ना, डिलीट होता है ना, तो इस तरह का आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अगर आपका YouTube चैनल डिलीट होता है, सस्पेंड होता है, मतलब YouTube चैनल मतलब आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड होता है ना, तो आपके साथ कुछ उस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पे मेरे को Instagram पे भाई ने मैसेज किया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे मैसेज उसका होगा भाई हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे वो मैसेज है या फिर मतलब मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर होगा तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये भाई सबका चैनल जो है सस्पेंड हुआ है, ठीक है। और भाई ने बोल रहा है कि मेरा YouTube ने डिलीट कर दिया, तो भाई YouTube ने डिलीट करेगा ना भाई, आप YouTube का पॉलिसी के खिलाफ अगर वीडियो बनाओगे ना तो आपका YouTube चैनल तो मतलब कि फाइनली मतलब आपका चैनल यहाँ पे सस्पेंड होगा ही होगा। यहाँ पे देख सकते हो भाई के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इसका चैनल सस्पेंड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सस्पेंड होगा तो अपील करोगे, तो इसका कुछ मैसेज आएगा तो आपको अपील करते रहना, ठीक है। तो बात करें अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड होता है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ कि इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हो इस तरह का आपका YouTube चैनल सस्पेंड होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा दिया स्क्रीनशॉट में, मैं आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पे अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड होता है तो आपका YouTube चैनल के जो अपने चैनल YouTube चैनल मतलब YouTube पे जाओगे, YouTube एप्लीकेशन पे वहाँ पे चैनल चेक करोगे या फिर Gmail चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें कि अगर आप लोगों का YouTube चैनल पे कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मतलब कि आपका YouTube चैनल पे मतलब साइनिंग नहीं कर पा रहे हो, अच्छा तरह से लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका पासवर्ड कोई चेंज कर दिया, अगर आपके पास दो मोबाइल है, दोनों मोबाइल पे Gmail लॉग इन है, एक मोबाइल में पासवर्ड चेंज करके एक मोबाइल में लॉग इन कर लियो तो दूसरा मोबाइल में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो आपको ध्यान देना टैप टू साइनिंग करके इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आपका YouTube चैनल सस्पेंड नहीं हुआ है, आपका YouTube चैनल मतलब आपका जो Gmail है वो सही तरह से लॉग इन नहीं, आपका Gmail को सही तरह से लॉग इन करना, आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानकारी देखकर सुनकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी मेरे भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसको दिल से बहुत बहुत थैंक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में दोस्तों कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।